दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह कॉलेज ने दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में G20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर असम के पूर्व राज्यपाल जगदीश मुखी ने शिरकत की। आपको बताते चलें कि भारत ने हाल ही में G20 की मेजबानी से दिखा दिया कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। विदेशी मेहमानों ने भी G20 के दौरान भारत की बढ़ती लोकप्रियता और आत्मनिर्भर भारत का लोहा माना। इसी कड़ी में दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज ने एक G20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसका मकसद देश में हो रहे विकास कार्यों और सबसे तेजी से उभरता हुआ भारत देश लोगों के सामने रखना था। जाहिर सी बात है कि G20 के दौरान देश ने दिखा दिया कि क्यों भारत को आने वाले समय का विश्व गुरु माना जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि 2028 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। मोदी जी ने एक यूनैनिमिटी से एक अपना वक्तव्य दिया पूरे G20 नेशन की तरफ से। ये अब तक के रिकॉर्ड में पहली बार है, हमेशा मतभेद रहते हैं। ये इस बात को सिद्ध करता है कि किस प्रकार से उन्होंने अपना ऑरा बनाया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और जो वो चाहते हैं अपने मेंबर कंट्रीज को कन्विंस करके अपनी लाइन पर ले आते हैं। यही एक सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे इसके अंदर नज़र आई है। देखिए, जो अभी G20 सम्मेलन का जो आयोजन भारत ने किया और जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से अगुवाई की, उसमें पूरे देश का, पूरी दुनिया में हमारे भारत का बहुत ही मान सम्मान बढ़ा है, और ये उनकी लीडरशिप का ही नतीजा है कि आज भारत जो है वो एक बड़ा ही डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा है इस वर्ल्ड नई एक वर्ल्ड ऑर्डर में, जो कि हम पहले देखते थे कि कुछ ही देश जो थे बड़े पावरफुल देश माने जाते थे और वो दुनिया का जो ऑर्डर है वो डिसाइड करते थे। लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम भारत एक ऐसा देश उभर के आया है जो कि ये डिसाइड कर रहा है, अपनी चीज़ें खुद डिसाइड कर रहा है। चाहे हमने वो देखा यूक्रेन रशिया वॉर में देखा कि हमने किस तरह से अपना, या कोविड में देखा। और जो ये मोटो है जो दिया है वसुधैव कुटुंबकम का कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो इसको हमारी भारत ने करके भी दिखाया है, और इससे ये एक संदेश भी दिया है कि कैसे हम एक इंक्लूसिवनेस की हम बात करते हैं, हम एक इनसेपरेबिलिटी की बात करते हैं कि अगर हमारा पड़ोसी देश खुश नहीं है तो हम कैसे खुश हो सकते हैं, और ये हम अपने भाव से प्रकट करते हैं। तो हमने शहीद भगत सिंह कॉलेज ने इसी दिशा में चलते हुए इस G20 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, और ये हमने इस पर विचार विमर्श किया कि किस तरह से भारत जो है अपना एक नई शक्ति उभर के आ रहा है और कैसे 2047 तक हम एक शक्ति हम बन के आएंगे और एक डेवलप नेशन बनेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से भारत जिस प्रगति के पथ पर चल रहा है वो आने वाले समय में 2047 हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का विजन है कि जब तक भारत एक विकसित देश होगा, मुझे लगता है कि उससे पहले ही ना हो जाए। एनबीसी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।